मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डिसबर्डिंग का क्या मतलब होता है। डिसबर्डिंग जनरली जो फार्मिंग रोज़ फार्मिंग करते हैं कि उनको बड़े फ्लावर्स लेने होते हैं फॉर सेलिंग, तो वो लोग क्या करते हैं, जब आपके क्लस्टर में बर्ड्स आती हैं इस तरह, तो वो साइड वाली बर्ड्स को तोड़ देते हैं। जब आप साइड वाली बर्ड्स को तोड़ देंगे तो सेंट्रल बर्ड में एनर्जी आपकी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट के पास एनर्जी उतनी ही है, ज़्यादा नहीं है। तो सेंट्रल बर्ड में जब ज़्यादा एनर्जी जाएगी तो वो बड़ी होगी और इट विल बी बेटर टू सेल इट। बट हम जो नॉर्मली पॉट्स में लगाते हैं, हमारे प्लांट्स में वैसे ही फ्लावर इतने नहीं आते कि हम ये सेक्रीफाइस करें। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैंने इनको नहीं तोड़ा तो कितना सुंदर ये बाद में क्लस्टर आए। मैं ये भी कर सकता था, इनको तीनों को तोड़ देता उसी वक्त, तो सेंट्रल फ्लावर थोड़ा सा बड़ा हो जाता, या 20% बड़ा हो जाता। पर ये अल्टीमेटली एनर्जी प्लांट की उतनी है, अल्टीमेटली उसने उतने ही आपको पेटल्स निकाल के देने फ्लावर के रूप में। तो आप ये मान लीजिए कि जब आप डिसबर्डिंग करेंगे तो आपको एक बड़ा फ्लावर तो मिलेगा, बट बाद में ये ब्यूटीफुल क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स जो अभी आप देख रहे हैं वो मिलने नहीं वाला। आप देखिए, फ्लावर हो सकता था इतना बड़ा हो जाता, बट ये भी कोई बुरा नहीं। बाकी आपकी विश है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। इस लेवल पे जब आपकी साइड बर्ड आ रही है उसको तोड़ देना है, पर मैं नहीं तोड़ता। इसमें कोई ऐसी डिसबर्डिंग नहीं की हुई, ना इसमें आया क्योंकि एनर्जी कम है। आप देखिए, इसका फ्लावर बड़ा है बट शायद ये भी उतना ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।